लॉयर इसका मतलब हम थोड़ी कुछ प्रोटेक्शन दे देंगे ऐसा। माइलॉर्ड बस मेमोरेंडम कथन के जो गवाह है माइलॉर्ड, सिस्टर माइलॉर्ड थोड़ा सी शांति से वहां पे सोच के आइए, वहां पे आप गवाही की होगी तब होगा एंटीसिपेटरी बेल। अभी 302 में आपको सीधा एंटीसिपेटरी बेल दे दे क्योंकि लॉयर है करके। माइलॉर्ड गवाही में हमारा नाम ही नहीं है। अरे ठीक है ना, तो अच्छा है ना, वहां पे फट से आपको रेगुलर हो जाएगा काम। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, 302 में भी हम अगर एंटीसिपेटरी बिल देने लग गए, व्हाट इज द लॉ लेट डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अननेसेसरी हैरेसमेंट हो जाएगी। भाई देखिए हैरेसमेंट कुछ नहीं होता, देखिए जब आपके ऊपर दाग लगे हैं तो दाग से तो छुड़ाना पड़ेगा, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मतलब ट्रायल में जब हमारे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब क्या जाओगे, कुछ आएगा नहीं। बट माय लॉर्ड उस दौरान में हमारे अगेंस्ट में माय लॉर्ड हमको हैरेस किया जाएगा। हैरेस क्यों करा जाएगा भाई, क्यों हैरेस किया जाएगा। यस माय लॉर्ड इन दिस केस माय लॉर्ड द एप्लीकेंट इज अ एडवोकेट माय लॉर्ड हु हैज रॉन्गली बीन इलीगली बीन रोप्ड इनटू अ केस ऑफ 302 माय लॉर्ड इंसिडेंट टू प्लेस ऑन 27/7/2023 माय लॉर्ड। बॉडी वॉज रिकवर्ड ऑन 28th एंड माय लॉर्ड ऑन 29th the two culprits were caught and their memorandum statement were recorded. My lord, जो memorandum statement के जो witnesses थे, they both are, one is servant of the deceased and one is brother of deceased. उन दोनों के कथन में हमारा कहीं पे नाम नहीं है my lord। उसके बाद इसके बाद क्या हुआ है my lord कि जो memorandum कथन है उसको चेंज किया गया है और कॉल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ये कहते हुए कि वकील से बात हुई है उस डेट को और जितने भी लोगों से बात हुई है किसी को भी रोप नहीं किया गया है, हम ही को रोप किया गया है, इसलिए क्योंकि जो रोपिंग अथॉरिटी है ही इज अ पुलिस पर्सनल जिसके अगेंस्ट में हमने केस किया था पहले, तो उन्होंने रॉन्गली माय लॉर्ड हमको रोप किया है इस केस में ये कहते हुए कि हमसे बात हुई है। माय लॉर्ड वकील से तो किसी की भी बात हो सकती है और सिर्फ उसी बेसिस पे हमको रोप कर दिया है 302 के मामले में माय लॉर्ड। अरे ये बताओ आपका चार्जशीट वगैरह पेश हो गई माय लॉर्ड, चार्जशीट फाइल हो गई है माय लॉर्ड। बेल हो गई आपकी माय लॉर्ड, बेल हुई है माय लॉर्ड, बेल के लिए लगा है माय लॉर्ड, एंटीसिपेटरी के लिए लगा के लिए। और माय लॉर्ड इसमें माय लॉर्ड इंट्रीम दे दीजिए माय लॉर्ड, इसमें हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं माय लॉर्ड। क्यों नहीं, क्यों देंगे इंट्रीम बेल, क्यों देंगे भाई लॉयर, इसका मतलब 302 में भी एंटीसिपेटरी बेल माय लॉर्ड। लेकिन माय लॉर्ड हमारे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है मटेरियल, तो देखेगा ना भाई ट्रायल कोर्ट देखेगा। आप ट्रायल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाए क्या माय लॉर्ड? लगाए थे माय लॉर्ड वहां पे बेल, नहीं नहीं, नहीं। वो रिजेक्ट हुआ है माय लॉर्ड, P1 है माय लॉर्ड। अरे भाई हम क्यों लॉयर, इसका मतलब हम थोड़ी कुछ प्रोटेक्शन दे देंगे ऐसा। माय लॉर्ड बस मेमोरेंडम कथन के जो गवाह है माय लॉर्ड, सिस्टर थोड़ा सी शांति से वहां पे सोच के आइए, वहां पे आप गवाही की होगी तब होगा एंटीसिपेटरी बेल। अभी 302 में आपको सीधा एंटीसिपेटरी बेल दे दे क्योंकि लॉयर है करके। माय लॉर्ड गवाही में हमारा नाम ही नहीं है। अरे ठीक है ना, तो अच्छा है ना, वहां पे फट से आपको रेगुलर हो जाएगा काम। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, 302 में भी हम अगर एंटीसिपेटरी बिल देने लग गए, व्हाट इज द लॉ लेट डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एक रिक्वेस्ट माय लॉर्ड, वी आर, ही इज अ लॉयर, वी आर नो सिंपैथी, वी आर फुल सिंपैथी, बट इट डजंट मीन दैट वी विल क्रॉस द लिमिट ऑफ एक्सेप्टिंग अवर रेमेडीज टू देम। नो माय लॉर्ड, अननेसेसरी माय लॉर्ड, एक रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड की अननेसेसरी हैरेसमेंट हो जाएगी। भाई देखिए हैरेसमेंट कुछ नहीं होता, देखिए जब आपके ऊपर दाग लगे हैं तो दाग से तो छुड़ाना पड़ेगा, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मतलब ट्रायल में जब हमारे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो माय लॉर्ड क्या जाओगे, कुछ नहीं, आएगा नहीं। बट माय लॉर्ड उस दौरान में हमारे अगेंस्ट में माय लॉर्ड हमको हैरेस किया जाएगा। हैरेस क्यों करा जाएगा भाई, क्यों हैरेस किया जाएगा। और माय लॉर्ड हमको जितनी बार भी बुलाएंगे, माय लॉर्ड चार्जशीट में हमको ये कहा गया है कि हम एब्सकॉन्डिंग है, जबकि हम 29 तारीख को भी पेश हुए नहीं रहे, हम तो वो आपको मान ही नहीं रहे, आप तो हमारे कोर्ट में भी खड़े हो, हमको नहीं मालूम है क्या, हम कहां आपको एब्सकॉन्डिंग मान रहे हैं। माय लॉर्ड कोई मान नहीं रहा एब्सकॉन्डिंग, हमको सब पता है माय लॉर्ड। डायरी आ गई नहीं, अभी तो एडमिशन के लिए है ना, एडमिट डायरी कॉल कर देखेंगे फिर बाद में आराम। माय लॉर्ड थोड़ा जल्दी रख लेंगे, जैसा भी हो रहा है भाई रूटीन में लग रहा है, अभी तो हमने रजिस्ट्रार साहब को बुला के बोला है ना बेल को पहले करना है करके कर रहे माय लॉर्ड। हां भैया ये मत आप देखेंगे माय लॉर्ड दिसंबर फर्स्ट वीक। अरे भाई आपकी डिक्टेशन की आदत छोड़ दीजिए हमें, हम डिक्टेशन किसी की नहीं सुनते माय लॉर्ड, है ना, काहे की चिंता कर रहे हो।
बाकी जो एक्यूज्ड है जो जिनकी एंटीसिपेटरी बेल लगी वो भी तो इंतजार है ना मालूम फिर कहा के लिए बोलते हैं आप लोग।